गार्डनिंग ऑन टिप्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं समीत और जैसा कि आप जानते हैं रेनी सीज़न शुरू हो चुका है, जो कि मालियों के लिए या फिर जो किसान हैं, गार्डनर्स हैं, उनके लिए ही बहुत ही फेवरेबल मौसम है, क्योंकि इस टाइम पर जो भी आप पौधे लगाते हैं वो बहुत जल्दी उनकी ग्रोथ होती है और वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जानेंगे जिसमें कई बार कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो रिपोर्टिंग क्या है आज हम ये जानेंगे। रिपोर्टिंग मतलब कि ये जो अपने पौधा है इसे हमने हटा लिया और इस पौधे को हटाने के बाद हम मिट्टी में चेक करेंगे कि हमारी प्रॉपर खाद उसमें है या नहीं, और फिर हम उसे उसी सेम गमले में लगा देंगे तो उसे हम बोलेंगे रिपोर्टिंग। शिफ्टिंग मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं रोज़ प्लांट, इसे हम अगर हमारे यहाँ क्यारी है तो हम क्यारी में उसे हम लगा दें या फिर हम किसी और दूसरे गमले में इसी सेम पौधे को लगा दें और इस पौधे की जगह हम कोई और दूसरा पौधा लगा दें तो वो शिफ्टिंग हो जाएगा, यानी कि एक गमले से दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करना वो शिफ्टिंग है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें रेनी सीज़न में चेक करना पड़ेगी वो है कि ड्रेनेज सिस्टम इसका सही है या नहीं। जैसा कि आप ये स्नेक प्लांट देख रहे होंगे, इसकी मिट्टी कितनी ही ज़्यादा चिकनी है और ये धीरे धीरे करके मरने लगेगा, क्योंकि इसकी जड़ सड़ने लगेगी और जड़ सड़ने की वजह से ये पूरा जो आप प्लांट देख रहे हैं ये मरने लगेगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि पौधे का समय समय पर ड्रेनेज सिस्टम चेक करते रहें कि उसमें नीचे की तरफ गमले में आपके होल है या नहीं है, इससे आपका पौधा डैमेज हो सकता है। ये आप देख रहे होंगे इतने सारे दूसरे छोटे छोटे पौधे इस गमले में आपको दिख रहे हैं, ये जंगली पौधे या वीड्स कहलाते हैं, और ये लगे रहेंगे तो ये आपके पौधे के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसे एब्जॉर्ब करेंगे, इसे बढ़ने नहीं देंगे। तो आप इन पौधों को ऐसे उखाड़कर हटा दीजिए और इसे अलग कर दीजिए ताकि इसे प्रॉपर जो है खाद मिल सके और ये जल्दी से ग्रोथ कर सके, अपना डेवलप हो सके। ये देख रहे हैं कोलियस डेवलप हो चुका है पूरी तरह से, इसकी ग्रोथ हो गई और ये कुछ ज़्यादा ही घना हो गया है, तो इसे आप क्या कर सकते हैं बाद में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रूनिंग का भी सही टाइम है। सर्दियों में आप जो नहीं कर सकते वो बारिश में आप कर सकते हैं। प्रूनिंग आप करेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं जैसे डैमेज है कहीं से या फिर पत्तियाँ सूख गई हैं तो वो सही आने लगेगी और ये फिर सही एक बार फिर से सही ग्रोथ देगा और डेवलप हो जाएगा पूरी तरह से। में एक नेचुरल टॉनिक का काम करता है, तो इस टाइम लगाए हुए पौधों की ग्रोथ जैसे मैंने पहले भी बोला बहुत अच्छी होती है। तो आज का आपको अगर हमारा वीडियो यूज़फुल लगा है तो इसे और आगे भी शेयर करें, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसा था या अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फॉलो करिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।